कालयोगी सदानंद महाराज आश्रम पर कार्रवाई के चलते अचोले रोड बंद। तुंगारेश्वर वन क्षेत्र में श्री बालयोगी सदानंद महाराज आश्रम पिछले कई समय से विवादों में चल रहा है। आश्रम परिसर में बने अवैध बांध काम पर कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके चलते यहां का माहौल गर्म हो गया। वहीं बालयोगी सदानंद महाराज आश्रम के धर्मशाला इमारत पर आज कार्रवाई की गई, जिस पर बाबा के भक्तों का रोष भी दिखा। जहां विराट पश्चिम में भक्तों ने 4 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, वहीं रिक्शा भी बंद कर दिए गए। ये असर नाला सुपारा में भी देखने को मिला, जहां लोगों ने अचोले रोड भी बंद कर दिया। वहीं पूर्व महापौर रुपेश जाधव ने भी कुछ समय के लिए अचोले बंदी की, वहीं कुछ समय बाद फिर उसे शुरू कर दिया। इथे कुठल्याच प्रकारचं आंदोलन किंवा काय नाही, फक्त एक निश्चय म्हणून सर्व इथे उपस्थित झाले। 5 मिनिटांमध्ये सर्व लोक त्याच्या जाच्या ते घरी जातील आणि जी व्यवस्था आहे ती सुरळीत होणार आहे। इथे कुठल्याच प्रकारचं पॉलिटिकल किंवा कुठल्याच पक्षा थ्रू हे निश्चय व्यक्त केलेलं नाही। संपूर्ण वसई तालुका आणि आपल्या आचोळे ग्रामस्थ आणि नागरिक यांच्या वतीने हे निश्चित केलेलं आहे फक्त, आणि लोकांनी प्रतिसाद दिलेला आहे। बालयोगी सदानंद महाराज की जय। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।